हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हो चुकी 28 मार्च, तो आज के 8 बड़े अपडेट्स आईपीएल दुबई से जुड़े इस वीडियो में बताने वाला हूं। आठों के आठों बड़े अपडेट्स होने वाले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले जो कि तीन मुकाबले हुए आईपीएल दुबई के, पहले तीन मुकाबले बहुत ही धाकड़दार हुए हैं। हालांकि पहला मुकाबला ईजी विन था, लेकिन कल जो दो मुकाबले हुए तो धाकड़दार हुए थे। और अपडेट्स बताने से पहले बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। वहां पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी टीमों को लेकर, प्लेयर्स को लेकर। सबसे पहले जो बड़ी अपडेट आती है आज की, बच्ची मिचेल मार्श को लेकर दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। एक बड़ी बुरी खबर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए, जहां पर ये हिप इंजरी के कारण अभी ये जूझ रहे हैं, फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। तो जो कि लिमिटेड ओवर सीरीज होनी थी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच, उससे ये बाहर हो चुके हैं। तो बड़े चांसेस बन चुके हैं कि आधा या फिर पूरा आईपीएल 2022 का सीजन ये मिस करने वाले हैं। तो बड़ी बुरी खबर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए, जहाँ पर इन्होंने कल सिर्फ दो ही इनके ओवरसीज खिलाड़ी अवेलेबल थे। डेविड वॉर्नर भी, अनिल चनोरिया भी अनअवेलेबल होने वाले हैं, लेकिन कुछ खबर ये कि इंडियन खिलाड़ी इनके बेहतर कर रहे हैं, तो आसार दिख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट बुलाने की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर रिप्लेसमेंट बुलाने की ज़रूरत होती है तो अकॉर्डिंग टू मी शाकिब अल हसन एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे। इनकी बॉलिंग भी इनकी सूट करेगी इन पिचेस पर, और तीसरे नंबर के लिए बैटर्स भी बेहतर हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करिए जो अगर ये बाहर होते तो कौन सी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इनकी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट होती है गुजरात टाइटन्स की टीम को लेकर, आईपीएल में अपने पहले मुकाबले से पहले इन्होंने एक बड़ी घोषणा की है, जहाँ पर इन्होंने राशिद खान को वाइस कैप्टन नियुक्त कर दिया, यानी अपॉइंट कर दिया अपनी टीम का आईपीएल 2022 के लिए, जहां पर 15-15 करोड़ में इनको ड्राफ्टेड किया गया था। हार्दिक पांडे और राशिद खान को दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के, जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद शुभमन गिल होंगे, लेकिन नहीं, राशिद खान है इस टीम के वाइस कप्तान। अगर हम बात करें नेक्स्ट बड़ी उड़ रहती हुई तो केकेआर की टीम की तरफ से, जहां पर इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, जहां पर इनके विदेशी खिलाड़ी टीम साउथ ही अब क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं, अपना मैंडेटरी क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं और टीम के साथ जुड़ चुके हैं और नेक्स्ट मुकाबले के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल को होगा पंजाब किंग्स के बीच में। शायद इनको जगह ना मिले क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पहले मुकाबले में, तो इनको बेंच पर शायद बैठना पड़े, लेकिन खुशखबरी है कि अवेलेबल हो चुके हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो बड़ी उड़ रहती हुई सीएसके की टीम की तरफ से, चेन्नई की टीम की के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी, जहां पर इनके इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली भी अवेलेबल हो चुके हैं, 3 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके, टीम के साथ जुड़ चुके हैं। जहां पर पहले मुकाबले में बॉलिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा मतलब कि फीके पड़ गए थे, जहां पर टॉप ऑर्डर जल्द ही आउट हो गया था। तो नेक्स्ट मुकाबला जो कि 31 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध होने वाला है, तो मोइन अली उसके लिए अवेलेबल होने वाले। मुझे लगता है कि मिच सेंटनर बार होने वाले हैं, हालांकि बॉलिंग उन्होंने भी अच्छी की थी, लेकिन बैटिंग में नीचे आते बैटिंग में ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं, तो मोइन अली इनके मेन प्लेयर होंगे टीम में। पाँचवीं बड़ी खबर आती है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहाँ पर कल जो मुकाबला होता दिल्ली कैपिटल्स के बीच, उसके बाद इनको 12 लाख का फाइन लगा था मुंबई इंडियंस की टीम को स्लो ओवर रेट के कारण, जहाँ पर टाइम टू टाइम ओवर्स कंप्लीट ना होने कारण इनको बड़ा जुर्माना लगा 12 लाख का। और ये भी हो चुका है कि अगर ये दोबारा गलती करते हैं ऐसी, तो रोहित शर्मा को 2 मैचों के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो एक तो खराब शुरुआत हुई इनकी, वो तो ये चैंपियन टीम है, एक मैच हारने से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो कि पहले भी हो चुका है। अगर हम बात करें सिक्स बड़ी खबर आती है 6वीं, जो कि वुमेन्स आईपीएल को लेकर, बीसीसीआई पूरी तरह से अब कंफर्म कर चुका है कि 2023 के सीजन से वुमेन्स आईपीएल भी होगा, कंडक्ट होगा, जहाँ पर 6 टीमें होंगी इस वुमेन्स आईपीएल के, जो कि होगा 2023 का एडिशन, उसमें 6 टीमें भाग होने वाली हैं। तो बड़ा साल होने वाला अगला साल, वो शायद पहले ही शुरू हो जाए, आईपीएल जो कि मेंस आईपीएल होता है उससे पहले शायद शुरू हो जाए, मार्च की मिड में ही शुरू हो जाए ये अगले साल। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट आती है वो आती गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ आज मैच होने वाला है। दरअसल गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के बाद केएल राहुल कप्तान और हार्दिक पांड्या कप्तान जर्सीज एक्सचेंज करेंगे, स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप के साइन के लिए, फ्रेंडशिप के साइन के लिए, और टीम मेट्स भी हैं ये इंडिया टीम के। तो जो कि 2019 साल में हुआ था मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच के बाद। अगर हम बात करें आखिरी 8वीं बड़ी अपडेट गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 खिलाड़ी रहने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए, जेसन होल्डर, क्विंटन डीको, काइली मेयर्स, मार्कस टोनिस, गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से अल्जारी जोसेफ, डेविड मिलर। अगर मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की लखनऊ सुपर जायंट्स की, आप देख पा रहे हो ये होगी 11 खिलाड़ियों के बिना, और गुजरात टाइटंस की टीम की ये होगी। दोस्तों आप कमेंट कर देते हैं कि कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए 11 खिलाड़ियों के बिना, और किस टीम को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस मैच के लिए, और कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। दोस्तों ये थे आज के 8 बड़े अपडेट्स, आपको सबसे ज्यादा अपडेट इंपॉर्टेंट कौन सा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो
अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।